गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज अपने हिसाब से इन लोगों ने ये गेट खुला रखा है, तो अब ये गेट से जा रहे हैं। उधर तिवारी जी अपना कुछ खाने पीने का कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स घाटको पर टू शो डॉक्टर्स आर रिपोर्ट। इस तरफ से ना, तो ये सर्विस रोड है ईस्टर्न एक्सप्रेस का, और अभी यहाँ पर पवई का एक कट आएगा, मतलब एग्जिट जहाँ से पवई जा सकते हैं अंदर, और यहाँ से आप पूरा आगे तक जा सकते हैं, छेड़ा नगर मतलब हर आगे तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने एक ये है गार्बेज का ट्रक, पीछे 5-6 थे और आगे भी 2-3 हैं और ज़्यादा है। देखो अब सब मुड़ेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखाऊँगी, ये सारे मुड़ जाएंगे उधर। और यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है, ये देखो ये सब मुड़ गए, कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ अभी मुड़ जाएंगे, सारे मुड़ेंगे उधर, देख लीजिए, ये देखो सारे मुड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो जाएंगे अंदर डंप करके फिर बाहर आएंगे खाली होके, फिर इस तरह यहाँ खड़े हो जाएंगे। और ये जो है यहाँ बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड इन लोगों ने बना दिया है, वो डंपिंग ग्राउंड हमारे घर से भी दिखता है, वो पूरा ऐसा एक, अब कैमरा मेरा उतना पावरफुल, जूम उतना पावरफुल नहीं है, कैमरा पावरफुल है मगर जूम उतना नहीं हो पाता है, पर मैं अपने दूसरे फ़ोन से आपको ज़रूर जूम करके दिखाऊंगी कि वो पूरा वो पहाड़ किस तरह से बन गया है। और कभी कभी तो वो बदबू भी हमारे घर तक आती रहती है, तो वो मैं आपको मेरे फोल्ड फ़ोन से मैं दिखाऊँगी, उसमें से एकदम पावरफुल दिखता है। किससे आ जाएगा? DSLR जो है, हाँ DSLR से भी आ जाएगा, और आगे भी ट्रक सभी इधर खाली करके इन लोगों को, क्योंकि और लेना होता है, वो ये कर देंगे। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ काम भी चालू है, पूरे रास्ते में वो काम चालू ही था अभी सर्विस रोड में। तो ये बॉम्बे का वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा तरीका है। अब मेरे को ये तो नहीं मालूम कि सब जगह से इधर आता है कि नहीं, उसका मैंने कभी रिसर्च कभी कुछ किया नहीं, पर आप लोग कर सकते हैं कि लोग किस तरह से इसको ये करते हैं। यहीं पर पीछे एक सीवेज मैनेजमेंट का भी है, वो भी मैनेजमेंट का जो उसको जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो, वो भी पीछे है। अब उसका भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कुछ, पर वो मेरे को मैप में दिखता है इसीलिए मुझे पता है। आपको उधर दूर वो बोर्ड दिख रहा है, पहले ना बेस्ट की बसेस, मतलब ये बेस्ट की बस है, ऐसे पहले बसेस के नंबर लिखे रहते थे, और आपको स्टेशन वेशन पे ऐसी छोटी बुक्स भी मिलती थी जो आपको उसका पूरा रूट बताती थी, और ऐसे बस स्टॉप्स रहते थे, ऐसे एक डंडा लगा दिया ऐसा, अभी तो ऐसे शेड वेड सब लगा देते हैं। पहले ये बहुत जूना पुराना, मतलब पहले ऐसे होता था। अब देखो अभी यहाँ पर एक और इन लोगों ने चलाया है महाराष्ट्र में, हाथ दाखवा बस रोको, मतलब हाथ दिखा के आप बस रोक सकते हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं क्या, मुझे जाना है ऐसे। अभी ये है हमारा, यहाँ से इधर जहाँ मैं दिखा रही हूँ ये हम जाएंगे घाटको पर वेस्ट, जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, पूरा बॉम्बे जो प्रॉपर बॉम्बे है, नवी मुंबई नहीं, पूरा प्रॉपर बॉम्बे, वो ईस्ट वेस्ट में डिवाइडेड है। यहाँ से सीधा आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, और इस तरफ राइट में हम घाटको पर वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हम श्रेयस का सिग्नल बोलते हैं इसको, और ये जो यहाँ, अरे यार ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ पर हम लोग ने मैं और राकेश पहली बार मिले थे, देखना अभी कितनी गर्दी होगी यहाँ पे। दवाखाना डॉक्टर के पास तो आ चुके हैं, या कुछ अभी पक करके आएगा, और बहुत ज़्यादा गर्दी है, पता नहीं कितने लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा, नो आइडिया। विटामिन D3 कंटिन्यू करना है, और ऐसा सब कुछ कुछ बताया है डॉक्टर ने, नथिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न। आए थे हम लोग मेरा दिखाने, पर राकेश का इज़ अ मोर वर्स्ट केस, तो इट इज़ लाइक लेस वर्स्ट मोर वर्स्ट, तो दोनों का इक्वली वैसा ही है, ख़राब ही है, मगर आई एम इन गुड वे, बट राकेश का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही। सो एनी विच वेज अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, थोड़ा ये यहाँ पे धूप बहुत है, सो द गर्मी पूरा दिमाग पर ये कर रही है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल ही जाएंगे, राकेश आएगा तब। धूप से बचने के देसी जुगाड़ देख लीजिए,
मथुरोली मुंडन पवई कल्याण, यहाँ दो लोग आंसू आपको दिखाई देंगे जो कांग्रेस के झंडे लगे हुए कर रहा हूँ। साई बाबा का इधर इतना ये बना है और यहाँ पर भी साई बाबा का कुछ है, वो आई डोंट नो व्हाई उधर कुछ होगा कोई लोकेशन। हम लोग तो एरोली में हैं अभी, तो आ गए हैं हम लोग भगत ताराचंद पर, यहाँ वेटिंग है, सब लोग को बिठा के रखा है इधर, जैसे ही मिलेगा उधर जाने देंगे इसी में। मैं कर रही थी एडिटिंग, तो उसके बीच में जो रेंडर हो रहा था तो थोड़ा टाइम था, तो मैंने जो निकाला तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सॉन्ग जो वो गा रही है ना, आप भी देखिए। आएंगे तो ये गाना सजाएंगे, राम आएंगे तो ये गाना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली तो मनाएंगे, जलमो के पाप मिटी जाएंगे तो राम आएंगे, जलमो और इसका ना कमेंट जाएंगे, कमेंट्स पढ़ते हैं। देखो एक कमेंट आया है, राम आएंगे और तुम्हारा वध करके चले जाएंगे ताड़कर। इसमें लिखा है ऐसी ये ना सजाएगी तो राम वापस चले जाएंगे। फिर लिखते हैं हे पार्थ रथ को खाई की ओर ले चलो। फिर है जब इनके जुल्मों के पाप मिट जाएंगे तब राम आएंगे। फिर लिखता है रानू मंडल की मौसी की लड़की। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हनुमान जी आपके घर का पता खोज रहे हैं मौसी जी। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं मौसी, उसे पोस्ट मत करिए, राम ये आएंगे और आपका गला दबा के चले जाएंगे। आप रे ये लिखते हैं कि सरकार को कहना पड़ेगा कि कमेंट पढ़ने वालों के लिए सैलरी की व्यवस्था की जाए। ऐसा सब पढ़ के काफ़ी देखो मेरा रेंडर हो चुका है, तो चलो पहले इसके पोस्ट कर देते हैं। तो बज गए हैं 12:15 और आज हम लोग का मस्त घमासान हुआ है, बस ढिशुम ढिशुम होना बाकी था, तो इसीलिए आज हम लोग का लेट हो गया खाना, क्योंकि पहले कौन पर मुझे लग गई भूख तो मैंने तो अपना खा लिया, पर मैंने पहले राकेश को उठाया पर उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाएंगे, मैंने बोला ठीक है तो मैं खाती हूँ, मैंने खा लिया, राकेश ने भी खा लिया। थोड़ा बहुत नहीं जम कर होता है, टेंशन नहीं लेने का, नहीं लेना है तो ले भी सकते, वैसे कोई लेता नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, तो कल सुबह मिलते हैं, कल तो संडे है और कल घर में काम है थोड़ा, पर सोचने कहीं थोड़ा घूमने भी जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, जय सद्गुरु वंदन।